गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफिरा कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफिरा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफिरा, क्लासिफिकेशन फाइलम पोरीफिरा का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफिरा क्लासिफिकेशन। तो फाइलम जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गेनिज था, लेकिन फाइलम पोरीफिरा का और फाइलम पोरीफिरा का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर स्केलेटल सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन देयर, बेस्ड ऑन देयर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, फाइलम पोरीफिरा जो है अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि उन क्लासेस में अलग अलग स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। किसी किसी में कैल्केरियस मतलब कैल्केरियस स्पिक्यूल्स पाया जाता है, किसी में सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाया जाता है जो सिलिका से बना होता है, किसी में स्पॉन्जिन फाइबर होता है प्रोटीन, या किसी में दोनों होता है स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, और किसी किसी क्लास में एब्सेंट होता है। तो उसके बेस पे ही स्केलेटल सिस्टम, कौन कौन से स्केलेटल सिस्टम कौन कौन से ग्रुप में है, फाइलम पोरीफिरा के ग्रुप में, उसके बेस्ड पे ही क्लासिफाई किया हुआ है फाइलम पोरीफिरा को। ठीक है, दिस फाइलम पोरीफिरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस, तीन क्लासेस में डिवाइडेड है। ये क्या है, फाइलम है। ठीक है, फाइलम पोरीफिरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। कैल्केरिया क्लास, कैल्केरिया फर्स्ट इज क्लास कैल्केरिया, सेकेंड इज क्लास हाइलोस्पोंजिया या हेक्सेक्टिनिलिडा, हाइलोस्पोंजिया और हेक्सेक्टिनिलिडा, हेक्सेक्टिनिलिडा। ओके, एंड थर्ड वन इज डिमोस्पोंजिया, डिमोस्पोंजिया। तो फाइलम पोरीफिरा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटल सिस्टम। दिस फाइलम पोरीफिरा इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। ओके, थ्री क्लासेस, क्लास फर्स्ट क्लास कैल्केरिया, सेकंड इज हाइलोस्पोंजिया और हेक्सेक्टिनिडा, एंड थर्ड इज डिमोस्पोंजिया। अब कैल्केरिया के अंदर कौन से पोरीफिरन्स आता है, स्पॉन्जेस आता है, हाइलोस्पोंजिया के अंदर कौन से आता है, डिमोस्पोंजिया के अंदर कौन कौन से स्पॉन्जेस आते हैं, और ये किसके बेस्ड पे क्लासिफाई हुआ है, इसके स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अलावा कुछ और चीज़ें भी है और कैरेक्टर्स भी है जिसकी वजह से ये अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है इसके स्केलेटल सिस्टम में जो कैल्केरिया है, क्लास कैल्केरिया है, इनमें क्या होता है, क्लास कैल्केरिया में क्या होता है, इनमें जो इसका स्केलेटल सिस्टम होता है वो कैल्केरियस होता है, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होता है। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होता है, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। मैंने जनरल कैरेक्टर में ही बताया था कि इनका स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि कैल्केरियस स्पिक्यूल्स किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्केरियस। तो इनका जो स्केलेटल सिस्टम जो एनिमल्स क्लास कैल्केरिया में आता है उनका स्केलेटल सिस्टम बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस ग्रुप में हाइलोस्पोंजिया एक्सेक्टिनिडा में, इनमें जो इनका स्केलेटल सिस्टम सिलिका से बना होता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स से बना होता है। ठीक है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होता है इनके अंदर, कैल्केरियस नहीं होता है, स्पिक्यूल्स होता है। ठीक है, मीन्स सिलिका से बना होता है, और इनमें क्या होता है, इनमें प्रोटीन होता है, स्पॉन्जिन फाइबर, एक प्रोटीन से इनका जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम एक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, एक प्रोटीन से बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर से, स्पॉन्जिन फाइबर, फाइबर से बना होता है। ठीक है, या इसमें या स्पॉन्जिन फाइबर भी होगा या स्पॉन्जिन फाइबर के साथ साथ सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी होंगे। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म क्लास डिमोस्पोंजिया में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जिनका स्केलेटल सिस्टम स्पॉन्जिन फाइबर भी होंगे और स्पॉन्जिन फाइबर उस प्रोटीन से भी बना होंगे और सिलिका से भी बना होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर विथ सिलिशियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स और एंड
किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी डिमोस्पोन्जिया या इस क्लास की जो परिफेरेंस है, किसी किसी में बिल्कुल एब्सेंट होता है, और एब्सेंट मतलब स्केलेटल सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो इसके बेसिस पे ये क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये जो है क्लास कैल्केरिया में जितने भी स्पॉन्जेस आता है, ठीक है, क्लास कैल्केरिया में जितने भी स्पॉन्जेस आता है वो क्या होता है, वो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मरीन वाटर में पाया जाता है। ये भी किसने पाया जाता है, हाइलोस्पोंजिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो भी मरीन वाटर में पाया जाता है। ये भी मरीन वाटर में पाया जाता है एक्सेप्ट स्पॉन्जिलेटे फैमिली, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल मेरीन एक्सेप्ट स्पॉन्जिलेटे, ओके। अब थर्ड इनका जो डिफरेंसेस देखो, थर्ड कैरेक्टर जिसके बेस पे ये क्लासिफाई हुआ है, ठीक है, थर्ड कैरेक्टर है इसका बॉडी फॉर्म, ठीक है। बॉडी फॉर्म इनका जो बॉडी फॉर्म होता है, बॉडी फॉर्म या शेप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, ये वास लाइक होता है, वास गमले की तरह होता है और सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, ठीक है। कैल्केरिया जो एनिमल्स है, ठीक है, स्पॉन्जेस है, इनका जो शेप होता है, बॉडी फॉर्म जो होता है वो वॉस लाइक होता है या सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। इसका इनका हेलोस्पॉन्जिया का वॉस लाइक होता है या कप शेप होता है, ठीक है, कप शेप या अन शेप होता है, ठीक है, कप की तरह भी होता है, वास की तरह भी होता है, अन अन मीन्स पॉट की तरह, जिसका मतलब एक बेस होता है, पॉट एक बड़ा सा पॉट जिसका बेस होता है, फीट होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अन कहते हैं, ठीक है, अन शेप होता है। इसका क्या होता है, इसका भी वास शेप्ड होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है या कशन शेप जो हमारे घरों में पाए जाते हैं कशन, उसकी तरह इनका भी क्या होता है, इनका शेप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है इनका, जो ये कहाँ पाया जाता है, ये शेलो वाटर में पाया जाता है, शेलो वाटर में, ये डीप वाटर में पाया जाता है, डीप वाटर, ये भी क्या पाया जाता है, डीप, बिल्कुल डीप वो वाटर, ये सारे एक्वेटिक होता है, मैंने कहा था पॉलीफिनेंस क्या होता है, एक्वेटिक होता है, तो ये बिल्कुल डीप वाटर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर किसके बेस पे क्लासिफाई हुआ है, ठीक है, इनमें डिफरेंसेस देखो, कैल्केरिया तीन क्लासेस थे ना हमारे पास, हाइलोस्पोंजिया या हेक्सेक्टिनिलिडा जिसे कहते हैं, हेक्सेक्टिनिलिडा और डिमोस्पोंजिया, ठीक। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या डिफरेंसेस है इन तीन क्लासेस में, नेक्स्ट डिफरेंसेस, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस है जो इनका ग्रेड्स होता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, एस्कॉन टाइप होता है, एस्कॉन साइकोन और लीकोन तीनों होता है, लीकोन, ठीक है, इसमें साइकोन एंड ल्यूकोन होता है, इनमें ल्यूकोन टाइप होता है, ये क्या होता है, देखो ल्यूकोन टाइप। अब जो एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकोन, ये एक्चुअली इनका कैनाल सिस्टम, ये जो कैनाल सिस्टम है पॉलीफेरेंस के अंदर वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये हमें पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल ये याद रखो, जो कैल्केरिया है इनका जो ग्रेड्स होता है, ठीक है, एस्कॉन टाइप, साइकोन और ल्यूकोन टाइप होता है, और हाइलोस्पोंजिया के अंदर साइकोन और ल्यूकोन होता है, और डिमोस्पोंजिया में कौन सा ग्रेड पाया जाता है, लिकोन टाइप पाया जाता है, ठीक है। अब कैल्केरिया के एग्जाम्पल्स इनमें इन जो कैल्केरिया है, क्लास कैल्केरिया में कौन कौन से स्पॉन्जिस आता है, साइकोन आता है, साइकोन और लिकोसोलेनिया आता है, लिकोसोलेनिया, ग्रेंशिया आता है, ग्रेंशिया, ठीक है, साइकॉन का जो अगर अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो साइकॉन को कहा जाता है अनस्पॉन्ज,
यू आर एन ऑन स्पॉन्ज, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। फिर ग्रेनशिया का कॉमन नेम क्या है, कैलकेरियस स्पॉन्ज, कैलकेरियस स्पॉन्ज स्पॉन्ज। तो कैलकेरिया में आता है एग्जांपल साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, ग्रेनशिया, ये तीन, ठीक है। इसके अलावा और भी है, फिलहाल आप तीन ही लिखिए, ठीक है, तीन ही याद रखिए, साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया और ग्रेनशिया। ये कौन सी क्लास में आता है, कैलकेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हाइलोस्पोंजिया और हेक्सेक्टिनिल्डा। इसमें एग्जाम्पल हमारा आता है हाइलोनीमा आता है, हाइलोनीमा, इसका कॉमन नेम है हाइलोनीमा, एच वाई ए एल ओ एन ई एम ए, इसका कॉमन नेम है ग्लास रॉप स्पॉन्ज, ग्लास रॉप स्पॉन्ज, आर ओ पी रॉप स्पॉन्ज, ग्लास रॉप स्पॉन्ज, हाइलोनीमा। सेकंड है इसका, इसमें आएगा यूप्लेक्टिला आएगा, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला, वीनस फ्लावर बास्केट, इसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर, फ्लावर बास्केट, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट। और फिरोनीमा, फिरोनीमा बॉल स्पॉन्ज जिसे कहते हैं, बॉल स्पॉन्ज, फिरोनीमा, फेडनिया आता है इसमें एग्जांपल। तो आप सिर्फ ये तीन याद रखो, ठीक है। तो हाइलोस्पॉन्जिया में एग्जांपल क्या है, हाइलोनीमा, यूप्लेक्टिला एंड फिरोनीमा। हाइलोनीमा का कॉमन नेम है ग्लास रॉप स्पॉन्ज, यूप्लेक्टिला का वीनस फ्लावर बास्केट, फिरोनीमा का बॉल स्पॉन्ज। और एक बात, जो यूप्लेक्टिला है, ठीक है, यूप्लेक्टिला है, वीनस फ्लावर बास्केट जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, इसके साथ एक कमर्शियल एसोसिएशन होता है, ठीक है, श्रिम्स के साथ, ठीक है। यूप्लेक्टिला इज कमर्शियली एसोसिएटेड विद श्रिम्स। श्रिम्स जो होता है वो एक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है श्रिम्स, क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं, ठीक है, क्रस्टेशियंस होते हैं। तो ये यूप्लेक्टिला और उसका क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखो, यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला कमर्शियली एसोसिएटेड विथ, कमर्शियली एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ श्रिम्स, श्रिम्स, ये यूप्लेक्टिला होता है, ठीक है, ठीक है। अब ये तीन जो है एग्जाम्पल्स है, ये याद रखिए, ये कौन से क्लास में आता है, हाइलोस्पोंजिया में। इसमें इसमें बाकी बहुत सारे आते हैं, फेरनिया वगैरह ये सब आते हैं, लेकिन आप तीन ही याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूमोस्पोंजिया, क्लास ड्यूमोस्पोंजिया। जो क्लास ड्यूमोस्पोंजिया है, इसको फर्दर तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। जो थर्ड क्लास है, क्लास ड्यूमोस्पोंजिया, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री सब क्लासेस, थ्री सब क्लासेस, सब क्लासेस, ठीक है, तीन सब क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है, ड्यूमोस्पोंजिया। ड्यूमोस्पोंजिया, क्लास ड्यूमोस्पोंजिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब क्लासेस, ओके, थ्री सब क्लासेस। टिट्रैक्टिनिडा, टिट्रैक्टिनिलिडा, मोनो एक्सोनिडे, मोनो एक्सोनिडे एंड केराटोसा, केराटोसा, ठीक है, केराटोसा, टिट्रैक्टिनिलिडा, मोनो एक्सोनिडे एंड केराटोसा। क्लास ड्यूमोस्पोंजिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब क्लासेस, ओके, टिट्रैक्टिनिलिडा, मोनो एक्सोनिडा एंड केराटोसा। अब टिट्रैक्टिनिडा में हमने बताया कि जो ड्यूमोस्पोंजिया है, ठीक है, ये वाला ड्यूमोस्पोंजिया, इनमें जो स्केलेटल सिस्टम होता है या स्पॉन्जिन फाइबर होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी ड्यूमोस्पोंजिया में क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिशियस स्पिकिल्सोनिंग होता है, और किसी किसी में बिल्कुल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। तो इसीलिए ये कितने क्लासेस, सब क्लासेस में डिवाइडेड है, तीन सब क्लासेस में डिवाइडेड है। अब हम देखेंगे कि इनमें किसके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट है, किसके अंदर सिलिशियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, किसके अंदर मतलब जो है दोनों प्रेजेंट होता है, तो हम ये देखेंगे, ठीक है। अब जो टिट्रैक्टिनिलिडा है, टिट्रैक्टिनिलिडा,
एक्चुअली ट्रिट्रा मीन्स फोर, ठीक है, फोर। इनमें जो एक्सोन होता है, इनका स्केलेटल सिस्टम होता है वो फोर रेट होता है, ठीक है, इस तरीके से फोर रेट, मतलब स्केलेटल सिस्टम कुछ इस तरीके से चार रेट्स में होता है, इसलिए ट्रिट्रैक्टिनेटा कहा गया है। मोनो एक्सोनेरिया में सिर्फ सिंगल रेट होता है, ठीक है, इस तरीके से इनका स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। अब ट्रिट्रैक्टिनेटा में क्या होता है, इनमें क्या होता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होता है, स्पॉन्जिन फाइबर एब्सेंट होता है, स्पॉन्जिन फाइबर इज एब्सेंट। इनमें जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्पिक्यूल्स होता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होता है, ठीक है, स्पिक्यूल्स होता है, ठीक है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होता है, और एंड स्पॉन्जिन फाइबर इज एब्सेंट, स्पॉन्जिन फाइबर इज एब्सेंट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल इसमें है लेकिना, फिर इसमें आएगा हेलिसाका जियोडिया, ये तीन याद रखो, ठीक है, जियोडिया। अब मोनो एक्सोनेरिया इसमें सिंगल रेट होता है, ठीक है, इनमें स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर या प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है, और स्पिक्यूल्स होता है, इनमें क्या होता है, स्पिक्यूल्स होता है, मोनो एक्सोन, इनमें स्पिक्यूल जो होता है मतलब टेट्रा एक्सोन होता है, ठीक है, इनमें मोनो एक्सोन मीन्स सिंगल स्पिक्यूल्स इस तरीके से बॉडी पे कैसे होंगे, जो इनका स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे ऐसे सिंगल स्पिक्यूल्स होंगे, स्पिक्यूल्स क्या होंगे, मोनो एक्सोन होंगे, ठीक है, मोनो एक्सोन होंगे, मोनो मीन्स सिंगल होंगे, ठीक है। स्पॉन्जिन फाइबर किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है, स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट और एब्सेंट किसी किसी में होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। केराटोसा में स्पिक्यूल्स नहीं होता है, ठीक है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। केराटोसा में क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर होता है, स्पॉन्जिन फाइबर जो प्रोटीन होता है, स्पॉन्जिन फाइबर उससे इसका स्केलेटल सिस्टम बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जिन फाइबर इज प्रेजेंट, सिलिशियस स्पिक्यूल्स या स्पिक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। अब हमने इसका ट्रिट्रैक्टिनेटा का एग्जांपल्स लिखा, ठीक है, इसमें प्लेकिना है, हेलिसाका है, जियोडिया है। अब मोनो एक्सोनेरिया जिनमें जो स्पॉन्जिन फाइबर या प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में एब्सेंट होता है, लेकिन स्पिक्यूल्स इनका मोनो एक्सोन होता है। इसमें एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला आता है, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जिसे कहते हैं, स्पॉन्जिला कॉमन नेम इज फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला आता है, क्लोना आता है, क्लोना बोरिंग स्पॉन्ज जिसे कहते हैं, इनका कॉमन नेम क्या है, बोरिंग स्पॉन्ज, केलिना, ठीक है, केलिना, इसका कॉमन नेम है डेड मैन फिंगर स्पॉन्ज, ठीक है। हेलिकोंड्रिया, इसका कॉमन नेम है क्रम्स ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज, CRUMBS, क्रम्स ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज, ये इनका कॉमन नेम है, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्जिला, क्लोना, केलिना, हेलिकोंड्रिया, ये एग्जाम्पल्स है मोनो एक्सोनेरिया के, ठीक है। जो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑल पोरिफेरेंस आर मरीन एक्सेप्ट स्पॉन्जिलिडे फैमिली, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, तो स्पॉन्जिला का कॉमन नेम ही है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। और जो थर्ड सब क्लास है केराटोसा, जिसमें सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है, स्पिक्यूल्स में एब्सेंट होता है। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा हमारा, एग्जाम्पल आता है हिपोस्पॉन्जिया एंड यूस्पॉन्जिया, ठीक है, हिपोस्पॉन्जिया, HIPPONGIA, हिपोस्पॉन्जिया, जिसको
हॉर्स स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है, और यू स्पॉन्जिया EUSPONGIA यूस्पोंजिया। हिपोस्पोंजिया का कॉमन नेम मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो हिपोस्पोंजिया, इसका कॉमन नेम है हॉर्स स्पॉन्ज, हॉर्स स्पॉन्ज। और यूस्पोंजिया का कॉमन नेम क्या है, यूस्पोंजिया कॉमन नेम इज कॉमन बाथ स्पॉन्ज, कॉमन बाथ स्पॉन्ज। ये दोनों कौन से क्लास सब क्लास के एग्जांपल है, क्लास सब क्लास केराटोसा, ठीक है, जिसमें सिर्फ स्पॉन्जिंग फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो मोनो एक्जोनेडिया है, ठीक है, मोनो एक्जोनेडिया में एक आता है स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, एक आता है क्लोना, ठीक है, बोर्डिंग स्पॉन्ज जिसे कहते हैं क्लोना। ये क्या होता है, ये क्लोना एक्चुअली पर्ल जो इंडस्ट्री है, मोती जो बनाता है, ठीक है, पर्ल इंडस्ट्री, एक्चुअली ये हार्मफुल होता है पर्ल के लिए, पर्ल ऑयस्टर के लिए, ठीक है। तो क्लोना क्या होता है, क्लोना इज हार्मफुल टू पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है पोलिफेरा का, फाइलम पोलिफेरा का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के बेसिस पे ही उनको क्लासिफाई किया हुआ है। फाइलम पोलिफेरा इज क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस, कैल्केरिया, हाइलोस्पोंजिया या हेक्सेक्टिनिडा एंड डेमोस्पोंजिया। कैल्केरिया जिसमें कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होता है, हाइलोस्पोंजिया में सिलिशियस स्पिक्यूल्स होता है, डेमोस्पोंजिया में स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी होता है और स्पॉन्जिन फाइबर दोनों होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है। ये मरीन वाटर में पाया जाता है कैल्केरिया, हाइलोस्पोंजिया भी मरीन वाटर भी पाया जाता है, डेमोस्पोंजिया मेरीन होता है एक्सेप्ट स्पॉन्जिलिडे फैमिली, ठीक है। इनका बॉडी फॉर्म, कैल्केरिया का बॉडी फॉर्म वॉस लाइक या सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, इनका वॉस या कप या अर्न शेप होता है, इनका डेमोस्पोंजिया का वॉस शेप या कशन शेप्ड होता है, ठीक है। ये शेलो वाटर में पाया जाता है डीप वाटर, और ये भी डीप वाटर में पाया जाता है, ठीक है। जो थर्ड क्लास है, ठीक है, फिर ये जो थर्ड क्लास है डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया, ठीक है, थर्ड जो क्लास है डेमोस्पोंजिया, इसमें जो पोलिफेरा का जो पहला क्लास है कैल्केरिया, सेकंड क्लास हाइलोस्पोंजिया, थर्ड है डेमोस्पोंजिया। अब इसमें एक और कैरेक्टर है, इनमें जो ग्रेड्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है, इसकोन साइकोन लिकोन तीनों होता है, इनमें साइकोन और लिकोन होता है, इनमें लिकोन होता है। ये कैनाल सिस्टम साइकोन एस्कोन साइकोन लिकोन रेगोन, ये चार टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है हमारा कैनाल सिस्टम इन पोलिफेरस, तो में हम डिटेल हमें पढ़ना है और वो कैसा होता है कैनाल सिस्टम, कैसा होता है उनका डायग्राम हमें देखना है, ठीक है। तो कैल्केरिया में एग्जाम्पल है हमारा साइकन लिकोसोलेनिया एंड ग्लेंशिया, हाइलोस्पोंजिया में एग्जाम्पल है हाइलोनिमा यूप्लेक्टिला फिरोनिमा एक्स्ट्रा, ठीक है। और डेमोस्पोंजिया फर्दर तीन सब क्लासेस में डिवाइडेड है, फर्दर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब क्लासेस। डेमोस्पोंजिया जो थर्ड क्लास है डेमोस्पोंजिया, एक है ट्रिटेक्टिनिडा, एक है ट्रिटेक्टिनिडा, नेक्स्ट है मोनोएक्जिनिडे सब क्लास, और थर्ड सब क्लास है केराटोसा। टिट्रैक्टिनिडा में स्पिक्यूल्स होता है, टिट्राएक्सोन होता है, स्पिक्यूल्स क्या होता है टिट्राएक्सोन होता है, ठीक है, और स्पॉन्जिन फाइबर एब्सेंट होता है। इनमें स्पिक्यूल्स मोनोएक्सोन होता है, स्पॉन्जिन फाइबर या प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम जो बना होता है। केराटोसा में स्पॉन्जिन फाइबर ही प्रेजेंट होता है, स्पिक्यूल्स क्या होता है एब्सेंट होता है। इसमें एग्जाम्पल है प्लेकिना हेलिसर्का एंड जियोडिया, इसमें एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला क्लोना केलिना एंड हेलिकोन्ड्रिया। केराटोसा में एग्जाम्पल है हमारे हिपोस्पोंजिया एंड यूस्पोंजिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम इन पोलिफेरेंस। थैंक यू वेरी मच।